तो आज हम लैन के बारे में जानेंगे और लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक लैन होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये राउटर दिख रहा है, डीलिंग कंपनी का राउटर है। इस पर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनपुट के लिए दिया गया है और चार पॉइंट इसमें आउटपुट के लिए दिए गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। तो यह राउटर है और यह अपने लिए एक डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाकर रखता है और ये एक आईपी एड्रेस रख लेता है। ये खुद की पहचान के लिए अपने लिए एक आईपी एड्रेस रखता है 192.168.0.1। और कहाँ तक आईपी एड्रेस ये बांट सकता है, तो यह 255 तक आईपी एड्रेस बांट सकता है। एक खुद के लिए रख लेता है और 255 तक आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें टोटल 254 कंप्यूटर लग सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ये सिर्फ चार कंप्यूटर इस पे जोड़ने हैं, तो किस तरह से हम लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम देख लेते हैं। तो पहला, जैसे ही हम ये कंप्यूटर इसमें जोड़ेंगे तो तुरंत इसको ये आईपी एड्रेस राउटर इसको आईपी एड्रेस दे देगा पहचान के लिए। जैसे ही दूसरा कंप्यूटर जुड़ेगा तो दूसरे को भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तीसरा जुड़ेगा तो तीसरे को भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा और चौथा जुड़ेगा तो चौथा को मिल जाएगा। यानी कि ये चारों कंप्यूटर अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और एक लैन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ चुके हैं। फिर भी अभी भी इनमें इंटरनेट नहीं आ रहा है, जानकारी के लिए बता दें। तो हम क्या करेंगे, आप इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो हम यहाँ पर जियो कंपनी के पास जाएंगे, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जियो भी हो सकती है, एयरटेल भी हो सकती है और बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं वह भी हो सकती हैं। और इसकी भी हम एक लाइन ले लेंगे, एक केबल्स बिछा लेंगे और जैसे ही हम इसकी केबल्स बिछाएंगे तो ये हमें एक आईपी एड्रेस दे देगा। और यह जो आईपी एड्रेस होगा ये पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और ये जो राउटर अपने पास एक आईपी एड्रेस रखता है, बाकी को सबको आईपी एड्रेस देता है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। तो हम देख लेंगे, तो जैसे ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ये आईपी एड्रेस इसको दे देगा। अब जो इंटरनेट कंपनियाँ होंगी इस कनेक्शन को इस आईपी एड्रेस के नाम से पहचानेंगी। तो इस तरह से इसमें इंटरनेट आ जाएगा और यही आईपी एड्रेस बाकियों में भी सारे में चला जाएगा। तो हर कंप्यूटर में दो आईपी एड्रेस होते हैं तब इंटरनेट चलता है। एक पहला लोकल एरिया नेटवर्क वाली आईपी एड्रेस जो हमें राउटर से मिलती है और एक जो हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो राउटर के माध्यम से हमें यहाँ पर मिल जाती है, तब हमारा इंटरनेट चलता है हमारे कंप्यूटर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।